हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बनीता की दुनिया। आज मैं सबसे हेल्दी डिश लेके आई हूँ। ये रागी जावा है। ये हमारे उड़ीसा में बहुत ही ज़्यादा खाते हैं, आंध्र साइड भी खाते लेकिन उड़ीसा में बहुत ज़्यादा खाते हैं। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, मैं लेके आई हूँ। ये आजकल खाना बंद हो गया। इसमें बहुत सारा कैल्शियम है, आयरन है, इसमें बहुत सारा इम्यूनिटी है। कोरोना वायरस में ये बना के खाइए, आपको बहुत ही अच्छा और हेल्दी फील होगा। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है हमारा रागी जावा। देखिए मैं बताती हूँ आपको मैं कैसे बनाया। पहले तो आप मेरे चैनल को और वीडियो के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। देखिए उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, हमने तो लिया है रागी फ्लोर। देखिए इसको मैंने पूरा 4 टेबल स्पून इसमें इस्तेमाल किया। देखिए बहुत बड़ा है स्पून, बहुत बड़ा है, इसकी वजह से 4 टेबल स्पून लगेगा। अगर टेबल स्पून में आप नापेंगे तो पूरे 4 टेबल स्पून मैंने लिया है। इसके बाद इसमें हम पूरे एक गिलास पानी को डाल के बहुत अच्छे से, देखिए बहुत अच्छे से मिला देना है, बहुत अच्छे से मिला देना है। गुटली भी, एक भी गुटली नहीं चाहिए हमको, बहुत ही अच्छी तरह मिलाना है, तब भी आपका जो रागी जावा है बहुत ही अच्छा बन जाएगा। देखिए इसका रागी का बहुत ही चीज़ बनता है। अगर आप मुझे कमेंट पे बताएंगे तो मैं हर एक नई नई रेसिपी आपके साथ लेके आऊँगी। बहुत ही अच्छा है बॉडी के लिए, बच्चों को ज़रूर दीजिए, बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसमें बहुत सारे कैल्शियम होते हैं। देखिए उसके बाद हम अभी क्या करेंगे, ये हो गया हमारा। अभी हम एक बर्तन चढ़ा दिया है, उसमें जितना भी रागी लिया था उससे दुगना पानी हम चढ़ाएंगे। देखिए दुगना पानी चढ़ा दिया। उसके बाद हमने नमक डाल दिया है 1 टेबल स्पून। अभी इसको बॉईल होने देना है बहुत अच्छे से। देखिए बॉईल तो हो रहा है, हमारा स्टार्ट हो गया बॉईल होना। अभी हम धीरे धीरे ये मिला देंगे, जो पानी में मिला के रखा था हमने रागी को, धीरे धीरे मिलाना है। देखिए जल्दी से डाल देंगे तो गुटली जम जाएगी, इसके लिए धीरे धीरे डालना है। अभी इसको हम थोड़ी देर चलाएंगे। चलाने के बाद हम इसको थोड़ी देर ढक के रख देंगे बॉयल होने के लिए। ये बच्चों के लिए तो बहुत ही मज़ेदार बन जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा भी है बॉडी के लिए और उनको सूप की तरह लगेगा, खाने में बहुत अच्छा लगेगा। देखिए मैं ढक के 15 मिनट पका रही हूँ। 15 मिनट के बाद मैंने ढककर निकाल दिया। देखिए रेडी हो रहा है हमारा रागी, जो है कितना अच्छा दिख रहा है। इसको ना छोटे बच्चों को पूरा ठंडा करके, एकदम ठंडा करके इसमें थोड़ा सा गुड़ या फिर मीठा जैसे आपको पसंद है वैसे डाल के छोटे बच्चों को पिला सकते हैं, जैसे कि बेबी फूड हो जाएगा ये, बहुत अच्छा लगेगा उनको भी और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद देखिए बॉल तो हो गया हमारा, रेडी भी हो गया 15 मिनट के बाद। अभी हम इसको देखिए एक बर्तन में निकाल रही हूँ मैं। देखिए कितना अच्छा बन गया है, ज़्यादा मोटा नहीं बना है, ज़्यादा पतला नहीं बना है, एकदम परफेक्ट बना है। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा कर्ड मिला देंगे। देखिए क्या करेंगे, थोड़ा कर्ड मिलाने के बाद अभी इसमें थोड़ा सा ऑनियन कट करके डाल देंगे। ऑनियन भी उतना ही टेस्ट लगता है इसमें। देखिए थोड़ा सा ऑनियन डाल दिया है मैंने, बहुत अच्छा लगता है समर के सीजन में। ये आप खाएंगे तो पेट आपका पूरा ठंडा पड़ जाएगा, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है बॉडी के लिए। आप खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। देखिए मैंने थोड़ा सा काजू भी डाल दिया है, इससे बहुत सुंदर भी दिख रहा है हमारा जो रागी का जावा है, वो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। उसके बाद अभी हमें ठंडा होने देना है।
ठंडा होने के बाद बच्चों को दे सकते हैं, या फिर हमको खाना है तो हम गरम गरम ही लेना है। गरम गरम लेंगे तो वो टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा और सूप की तरह लगेगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदार के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।